हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन डिस्कस करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। ये हमारा एक साइकोलॉजी का बहुत मेजर पार्ट होता है। हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टिव बैरियर्स टू मैनेज इंस्टिंक्ट एंड अफेक्ट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। सिगमंड फ्रॉयड के अकॉर्डिंग हमारा जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, ये हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ये इंस्टिंक्ट और अफेक्ट को मैनेज करने में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। ठीक है, हमारा फ्रॉयड के अकॉर्डिंग हमारा जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, ये हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को उसके खुद के इंस्टिंक्ट और अफेक्ट को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम एक करके सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। हम पहले देखते हैं पर्पस क्या है इसको यूज करने का। पहला, रिड्यूस और एलिमिनेट एंजाइटी। दूसरा, रिजॉल्व मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। रिड्यूस फियर टू प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम, प्रोटेक्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये हमारा कुछ पर्पस थे जिसकी वजह से हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। अब हमारा सबसे पहला जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वो है रिप्रेशन। अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंट्री फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज, इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी पेनफुल आइडिया या इवेंट को भूल जाना अनकॉन्शियसली, मतलब हमें पता नहीं लेकिन वो चीज़ हम कभी कभी भूल जाते हैं। एग्जाम्पल, फॉरगेटिंग अ लव्ड वन्स बर्थडे आफ्टर अ फाइट। जैसे कि किसी हस्बैंड का उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ, उसकी वाइफ का नेक्स्ट डे बर्थडे था, उस झगड़े की वजह से वो नेक्स्ट डे उसकी वाइफ का बर्थडे था वो भूल गया। इसे हम बोलते हैं रिप्रेशन। मतलब हस्बैंड जो भूला नहीं जाता था उसका बर्थडे, लेकिन उस फाइट की वजह से उसके माइंड में जो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ वाइफ के साथ में, उसकी वजह से उसका जो बर्थडे था वो अपनी वाइफ का हस्बैंड बर्थडे भूल गया, ये अनकॉन्शियसली वो भूला। इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, अगला है डिनायल। अनकॉन्शियस रिफ्यूजल टू एडमिट एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर। डिनायल का मतलब हमारा होता है किसी चीज को डिनाय करना, मतलब कि एक ऐसी अनएक्सेप्टेबल आइडिया या बिहेवियर को डिनाय करना जो किसी इंडियन ने किया हो और वो डिनाय करके उसने नहीं किया ऐसा। जैसे कि द मदर ऑफ अ चाइल्ड हु इज फैटली इल मे रिफ्यूज टू एडमिट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इवन दो शी इज फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ द डायग्नोसिस एक्सपेक्टेड आउटकम। इट इज बिकॉज शी कैनॉट टॉलरेट द पेन दैट एक्नोलेजिंग रियलिटी में प्रोड्यूस। डिनायल का मतलब यहाँ एग्जाम्पल में हम जैसे देख सकते हैं किसी एक मदर का जो बेबी है वो बहुत ज्यादा इल है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, लेकिन जो बेबी की मदर है वो इस बात को मानने से टोटली डिनाय कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत है। जबकि मदर को टोटली इन्फॉर्म कर दिया गया था बच्चे की डायग्नोसिस और आउटकम्स के बारे में। मदर इसलिए ऐसा करती है क्योंकि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने के बाद मदर को बहुत हाई अमाउंट में पेन होगा जो कि उसको बेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो उस चीज को डिनाई करती हैं, या कोई भी नहीं उस रियलिटी को डिनाई करता है क्योंकि उस रियलिटी को कन्फ्रंट नहीं कर सकता, उसको वो झेल नहीं सकता। ठीक है, हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अनकॉन्शियसली डिस्चार्जिंग पेंट अप फीलिंग टू अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मतलब अपना किसी एक गुस्से या प्यार या किसी भी एक फीलिंग को अपने से छोटे वाले पे दिखाना। जैसे कि एग्जाम्पल, आ हस्बैंड कम्स होम आफ्टर अ बैड डे एट वर्क एंड येल्स एट हिज ऑफिस। में कोई भी एक फैमिली, उसमें हस्बैंड था वो किसी कंपनी में जॉब करता, उसका जो बॉस है उससे फाइट हुआ, वो घर पे आया, वो अपना जो गुस्सा है वो अपनी वाइफ पे निकाला, वाइफ ने अपना गुस्सा डिस्प्लेस किया अपने बच्चे पे। अब बच्चा अपना गुस्सा अपने खिलौनों पे और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने अपनी फीलिंग्स को किसी अपने लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेस करना। हम देखते हैं चौथा, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिप्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स विद देयर एग्जैक्ट अपोजिट। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी एक फीलिंग को रिप्लेस करना उसके एग्जैक्ट अपोजिट से। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, उससे हम समझते हैं क्या होगा। आ जेलस बॉय हु हेट्स हिज एल्डर ब्रदर मे शो हिम एग्जैगरेटेड रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिम। मतलब कि
यहाँ पे एक बॉय है जो अपने एडर ब्रदर से बहुत ज्यादा जलस है, लेकिन अपनी उस फीलिंग को रिप्लेस करने के लिए वो अपने ब्रदर को, एल्डर ब्रदर को बहुत ज्यादा अमाउंट में रिस्पेक्ट अफेक्शन दिखाएगा, ताकि उसकी जो जलस वाली फीलिंग है वो वहां से रिप्लेस हो जाए, वो हट जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब अपनी एक फीलिंग को छिपाने के लिए किसी उससे अपोजिट फीलिंग को बहुत हायर अमाउंट में एग्जरेटेड वे में शो करना। फिफ्थ है हमारा रैशनलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल जस्टिफाइज हिज और हर फेलियर्स एंड सोशली अनसेप्टेबल बिहेवियर बाय गिविंग सोशली अप्रूव्ड रीजंस। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर या अपने सोच, मतलब उसके बिहेवियर और फेलियर को प्रूफ करने के लिए सोशली अप्रूव्ड रीजंस को देगा, उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब अपने फेलियर को या अपने किसी एक सोशली अन एक्सेप्टेबल बिहेवियर को प्रूफ करने के लिए वो सोशली अप्रूव रीजंस को देगा। एग्जाम्पल, आ स्टूडेंट हु फेल्स इन एग्जाम में कंप्लेन डैट द हॉस्पिटल एटमोसफियर इज नॉट फेवरेबल एंड हैज रिजल्टेड इन हिज और हर फेलियर्स। एग्जाम्पल मान, जैसे कि कोई चाइल्ड है, उसने कंप्लेन किया कि वो एग्जाम में इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसका जो स्कूल का एनवायरमेंट था वो सही नहीं था, इसलिए वो एग्जाम में फेल हो गया। ठीक, मतलब कि अपनी फेलियर को किसी एक सोशली अप्रूव्ड रीजन देना जो लोग माने कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये रीजन सही है इस तरीके से। ठीक है, अगला है सबलिमेशन। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चैनलिंग इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स इनटू एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज। सबलिमेशन का मतलब होता है कॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के या बिना जानबूझ के अपनी इंस्टिंक्चुअल एक्टिविटीज को एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में शो ऑफ करना या प्रेजेंट करना। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्रेसिवनेस माइट बी ट्रांसफॉर्म इंटू कॉम्पिटिटिवनेस इन बिजनेस और स्पोर्ट्स। जैसे कि एक कोई इंडिविजुअल था, वो अपने बिजनेस में डाउन हुआ किसी, मतलब जैसे एग्जाम्पल हम जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दो चाइल्ड हैं, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, एक टॉपर है एक लोअर है। अब यहाँ पे जो लोअर वाला बच्चा है वो टॉपर से कंपेयर करेगा, कॉम्पिटेटिव करेगा कि नहीं, वो उसके पास दो चांसेस, या तो वो डिप्रेस होकर बैठ जाए या फिर वो अपने उस गुस्से को पढ़ाई में लगाए, वो अपने आप को और इम्प्रूव करे और उस टॉपर के बराबर ले आए। इसे हम बोलते हैं सबलिमेशन, मतलब अपने इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स को एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में लाना। अपने गुस्से को वो पढ़ाई में डालेगा, वो पढ़ाई को इंप्रूव करके वो एक टॉप लेवल तक आएगा। अगला है कंपनसेशन। कॉन्शियसली कवरिंग अप फॉर अ वीकनेस बाय ओवर इंफेसाइजिंग और मेकिंग अप अ डिजायरेबल ट्रेट। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु फेल्स इन हिज और हर स्टडीज में कंपनसेट बाय बिकमिंग द कॉलेज चैंपियन एथलेटिक्स। कंपनसेशन का मतलब होता है किसी एक एरिया में वीक होने के, इंडिविजुअल जो किसी एक एरिया में वीक है वो अपनी उस वीकनेस को किसी अदर एरिया में स्ट्रेंथ को बना के इंप्रूव करेगा। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई में कमजोर है, बट वो अपने स्कूल के एथलेटिक्स के एरियाज में चैंपियन है। ठीक है, तो उसकी पढ़ाई में जो कमजोरी थी वो वहां पे उसकी स्पोर्ट्स में जाके फुलफिल हो गई। अगला हम देखते हैं प्रोजेक्शन। अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली बिकमिंग समवन एल्स फॉर वंस डिफिकल्टीज। प्रोजेक्शन का मतलब होता है खुद की प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को ब्लेम करना या किसी और का नाम लगाना कि हाँ माय प्रॉब्लम्स के लिए वो जिम्मेदार है, इस तरीके से। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु ब्लेम्स अनदर फॉर हिज ओन मिस्टेक इज यूजिंग प्रोजेक्शन। अ सर्जन हुज पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एज ही एंटिसिपेटेड मे टेंड टू ब्लेम द थिएटर नर्स हु असिस्ट हिम। जैसे कि एक सर्जन ने किसी एक पेशेंट की सर्जरी कंडक्ट की, लेकिन उस पेशेंट ने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो रिजल्ट नहीं शो किया जो सर्जन सजेस्ट कर रहा था, जो सर्जन है वो सोच रहा था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, तो वो रिस्पॉन्स ना आने का जो रीजन है वो उस नर्स को देगा, उस नर्स को बोलेगा जो उसको असिस्ट किया था उस सर्जरी में। ठीक है, अगला, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मतलब कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को यूज करके अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना। नेक्स्ट है अनडूइंग, ट्राइंग टू रिवर्स और अनडू अ थॉट और फीलिंग बाय परफॉर्मिंग एन एक्शन दैट सिग्निफाइज एन अपोजिट फीलिंग देन ओरिजिनल थॉट और फीलिंग। एग्जाम्पल, यू हैव फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक फॉर समवन सो यू बाय देम अ गिफ्ट। अनडूइंग का मतलब है किसी एक के मन में, हमारे किसी एक के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है या
कोई उसके खिलाफ थॉट है, उस थॉट को रिप्लेस करने के लिए हम उसके अपोजिट का फीलिंग को शो ऑफ करेंगे। जैसे कि हम किसी को डिसलाइक करते हैं, हम उस डिसलाइक करने वाले पर्सन को गिफ्ट ला के देंगे, उसे हम बोलते हैं अनडूइंग। अगला हमारा रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू एन ओल्डर लेस मेच्योर वे ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेसेस एंड फीलिंग्स। एग्जाम्पल, एडल्ट थ्रोज अ टेम्पर टैंट्रम व्हेन ही डज नॉट गेट हिज और हर ओन वे। रिग्रेशन का मतलब है कि अपने ओल्डर या लेस मेच्योर, मतलब अपने गुस्से को लेस मेच्योर या वे में शो ऑफ करना, ठीक है। अगला है डिसोसिएशन, द अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ पेनफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, एमनेशिया डेट प्रिवेंट्स रिकॉल ऑफ प्रीवियस डेज ऑटो एक्सीडेंट, एडल्ट मेंबर नथिंग ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज। डिसोसिएशन का मतलब है कि अनकॉन्शियसली अपनी पेनफुल फीलिंग्स और इमोशंस को अनएक्सेप्टेबल आइडिया से सेपरेट कर देना, ठीक है। अगला है कन्वर्जन, द अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट सिंबॉलिकली थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। मतलब कि इंडिविजुअल को जो इंट्रासाइकिक, मतलब किसी का जो ब्रेन में या उसके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, उसके फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू प्रोड्यूस होना। जैसे कि आ स्टूडेंट अवेकन्स विद अ माइग्रेन हेडेक इन द मॉर्निंग ऑफ अ फाइनल एग्जामिनेशन एंड फील्स टू इल टू टेक द रेस्ट। मतलब किसी एक कोई एक चाइल्ड है, उसका माइग्रेन का बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है एग्जामिनेशन डे पे, वो बहुत ज्यादा इल फील कर रहा है रेस्ट लेने के लिए, ठीक है। अगला है सप्रेशन, वॉलेंट्री रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। सप्रेशन का मतलब है कि वॉलेंट्री, मतलब जानबूझ के अनएक्सेप्टेबल थॉट या फीलिंग को कॉन्शियस अवेयरनेस से हटाना। एग्जाम्पल, स्टूडेंट हु फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन स्टेट्स ही और शी इज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट हिज और हर मार्क्स। जैसे कि कोई एक चाइल्ड किसी एग्जाम में फेल हो गया, जब उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स उससे उस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे तो टोटली मना कर देगा, नहीं मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। मतलब उस जानबूझ के वॉलेंटरली उस टॉपिक पे बात करने से मना कर देना। अगला है सब्स्टिट्यूशन, अनकॉन्शियस रिप्लेसमेंट ऑफ अनएक्सेप्टेबल इंपल्सिस एटीट्यूड नीड्स और इमोशंस विद दोज दैट आर मोर एक्सेप्टेबल। मतलब कि अनकॉन्शियसली हमारे उन इंपल्सिस एटीट्यूड को रिप्लेस करना अनएक्सेप्टेबल आइडिया से एक्सेप्टेबल आइडिया में। एग्जाम्पल, आ स्टूडेंट ना डिसाइड टू वर्क इन टीचिंग साइड बिकॉज सी इज अनेबल टू मास्टर क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अपनी किसी एक अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटी को एक्सेप्टेबल में चेंज करना। जैसे कि एक स्टूडेंट नर्स है, वो मार क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को, मतलब उसको डर लगता है क्लिनिकल करने में, वो ब्लड से डर लगता है, तो इसलिए वो टीचिंग करेगी, तो उसे पता वो क्लिनिकल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो टीचिंग में जाएगी। इसे हम बोलते हैं अनएक्सेप्टेबल आइडिया को एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट करना। अगला है आइसोलेशन, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड अ पेनफुल थॉट और फीलिंग बाय ऑब्जेक्टिफाइंग एंड इमोशनली डिटैचिंग वन सेल्फ फ्रॉम द फीलिंग। एग्जाम्पल, एक्शन अलूफ एंड इनडिफरेंट टूवर्ड्स समवन व्हेन यू रियली डिसलाइक दैट पर्सन। आइसोलेशन का मतलब है किसी अनवांटेड फीलिंग या पर्सन से टोटली सेपरेट हो जाना या अलग हो जाना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। अब आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।